बहुत कम समय के लिए आपके बीच में आए हैं और थोड़ा सा शांति बनाएंगे और एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहते हैं एकदम शांति से। अभी हम लोग चुनाव महापर्व के बहुत करीब आ चुके हैं और हमारे लिए बड़ा संयोग की बात है कि दूसरा चरण का प्रचार अभियान हमने सिल्ली विधानसभा से शुरू किया है और अंतिम भी आज हम सिल्ली विधानसभा से करने जा रहे हैं। तो ये अंतिम विधानसभा है, उसके बाद प्रचार बंद। कल नहीं परसों यहां वोट होगा। अभी ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व है। पर्व तो वैसे सब लोगों का आता ही रहता है साले साल, लेकिन ये लोकतंत्र का पर्व है। सभी जाति धर्म के लोग इस पर्व को एक साथ मनाते हैं। वो इसलिए कि देश की ताकत, देश की एकता, संविधान बचा रहे, मजबूत रहे। इसीलिए ये जाति धर्म से ऊपर का महापर्व है। तो इसलिए इस चुनाव में आप सब लोगों को बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना है। आज राहे प्रखंड में आए हमारे सभी झारखंडी माताएं, बहनें, नौजवान साथी, बड़े बुजुर्ग, किसान भाइयों, आप सबको हमारी तरफ से झारखंडी जोहार, खतियानी जोहार, खतियानी जोहार। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत कम शब्द में हम अपनी बातों को रखेंगे, बहुत मोटा मोटा बात रखेंगे, बहुत पुल पुलिया सड़क स्कूल कॉलेज उन सब के बारे में तो हमारे कार्यकर्ता वगैरह बताएंगे ही। हमारी सरकार ने यहाँ पर कई योजनाएं चला रखी है, सड़क के लिए, सामुदायिक भवन को लेकर, स्वास्थ्य सामुदायिक भवन, सब कई सब ये सब बन रहा है। लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है इस राज्य के गरीब गुरुआ किसान मजदूर इन लोगों के बारे में। अगर आपके पास जेब में पैसा नहीं रहता है ना, बुद्धि भी काम नहीं करता है जी। जेब में पैसा मतलब गाड़ी में पेट्रोल के बराबर होता है, बिना पेट्रोल का गाड़ी नहीं चलता है, बिना पैसा का बुद्धि भी काम नहीं करता है। नौकरी काहे खोजता है? पैसा कमाने के लिए। रोजगार काहे करता है? पैसा कमाने के लिए। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है हमारे इस राज्य में, लोग तो इसको सोने का चिड़िया बोलता है, लेकिन यहां लोगों को पहनने के लिए कपड़े नहीं, खाने का दो वक्त का अनाज नहीं जुटता। क्या हो गया इस राज्य को जी? 20 साल भारतीय जनता पार्टी और आजसू के लोगों ने इस राज्य को हांकने का काम किया। क्या हो गया इस राज्य में? लोग हाथ में राशन कार्ड लेकर के भाग भाग करके मर गया, किसान आत्महत्या किया। क्या हो गया इस सोने की चिड़िया को? ये व्यापारियों की जमात बड़ा योजनाबद्ध तरीके से इस राज्य की जनता को गरीब और गरीब और गरीब और गरीब करता चला गया और अमीर को और अमीर करता चला गया। आज गरीबों को देने के लिए इनके पास एक टका नहीं है, लेकिन अपने बड़े बड़े व्यापारियों का अरबों खरबों रुपया माफ करने का इनके पास अरबों खरबों रुपया है। बड़ा विचित्र हालत है। हम गरीबों की आवाज के लिए नाक रगड़ते रह गए दिल्ली में, गरीबों का आवाज का पैसा नहीं दिया। हम बूढ़ा बुजुर्ग का पेंशन बढ़ाने के लिए नाक रगड़ते रह गए, पैसा नहीं दिया। हमारा कोयला का बकाया 1,36,000 करोड़ रुपया मांगते रह गए, नाक रगड़ते रह गए, नहीं दिया। जब हम और हुज्जत करने लग गए तो हमको जेल में डाल दिया। डराया, धमकाया,
गरीबों को ये पैसा अधिकार कुछ नहीं देते। ये राज में पहली बार राज अलग होने के बाद मेरा 1.5-2 महीना बचा हुआ था सरकार का, पहला चुनाव हो रहा है। अगर 1.5-2 महीना और होते और इनको पता था कि एक एक दिन अगर हम सरकार में रह गए तो इस राज के लिए इतनी लंबी गाढ़ी लकीर खींचेंगे कि उसको दोबारा ये भाजपा के लोग कभी नहीं पार कर सकते। और आज हमारी सरकार को गिराने के लिए, विधायकों को चुराने के लिए, सांसदों को चुराने के लिए ये पॉकेट मार लोग 1 साल से लगा हुआ है, मंडरा रहा है पूरा राज्य में। लेकिन झारखंड का बेटा है, शिबू सोरेन का बेटा है, भगवान बिरसा मुंडा सिद्धू कानू के हम लोग वंशज, हम लोग झुकना नहीं सीखा है, हम लोग लड़ के लिया झारखंड, लड़ के लेगा अधिकार वाले लोग हैं। पूछो इन लोगों से 19-20 वर्ष में गरीबों को क्या दिया, किसानों को क्या दिया और झारखंडियों को क्या दिया। और आज हम गरीबों के लिए काम करते हैं, झारखंडियों के लिए काम करते हैं, नौजवानों के लिए काम करते हैं, तो ये कोर्ट में पीआईएल करके हमारे काम को अड़ंगा लगवाता है। आज इस राज्य की आधी आबादी जो महिलाएं हैं, हमको मालूम है इस राज्य में गरीबी कितना है, हमारे गांव देहात के लोग किस हालात में है हमसे ज्यादा कोई नहीं बता सकता। आज इसीलिए गांव की अर्थव्यवस्था मजबूत करने के लिए हम तो हमेशा हर मंचों से हमने कहा है, हमारी जो सरकार है ये दिल रांची से नहीं बल्कि गांव से चलने वाली सरकार है। और आज इसीलिए 5 साल में कभी आपने गांव में किसी पदाधिकारी को नहीं देखा होगा, 19 वर्षों में आज गांव गांव पंचायत पंचायत टोला टोला में समियाना लगा लगा कर पदाधिकारी आपके गांव में जाकर के आपकी समस्याओं का समाधान करते थे, एक नहीं कई बार। और आज उसका नतीजा है कि इस राज में हमारी आग कान नाक जिनको हमने आपके गांव में भेजा, एक समय 2019 से पहले 19-20 साल तक 1-2 लोगों को बूढ़ा बुजुर्ग पेंशन मिलता था, 1-2 लोग विधवा महिला को पेंशन मिलता था और वो भी 40-50 साल बाद, और विधवा होने का कोई समय नहीं होता है, कब विधवा हो जाए, हो सकता है शादी के 6 महीने के बाद हो जाए या 50 साल के बाद भी हो जाए, भगवान ना करे कोई विधवा हो। लेकिन हमने पहला कानून बनाया इस राज्य में, जिस दिन जो भी महिला विधवा होगी उसी दिन से पेंशन हम देने का काम करें। और आज इस राज्य में कोई बूढ़ा बुजुर्ग बिना पेंशन का नहीं है, सबको सर्वजन पेंशन से हमने जोड़ रखा है। और उसी प्रकार हमारी राज्य की आधी आबादी जो महिलाएं हैं, सबसे ज्यादा बोझ महिला उठाती है, बाल बच्चे का बोझ उठाती है, घर परिवार का बोझ उठाती है, खेती बाड़ी भी करती है, गाय गोरु भी चराने का काम करती है। और आज हमने उनको मजबूत करने का संकल्प लिया और आज इनके लिए मुख्यमंत्री मैया योजना लाया और इनके खाते में 1,000 रुपया देने का हम काम कर रहे हैं। लेकिन यही आज सुबह भाजपा का लोग कोर्ट में चला जाता है इस योजना को बंद कराने के लिए, अजीब हालत। और अभी कोर्ट ने उनको तमाचा भी लगाया है, जो लोग शिकायत करने गया था यही भाजपा का लोग आज का लोग, उसका ये अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दिया, ये आपको बता देते हैं। और आज महिलाओं को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है, अमित बाबू को यहां से जिताइए, हम आपको वादा करते हैं आपका बेटा ये वादा करके जाता है आने वाला 5 साल के अंदर आपके खाता में 1,00,000 रुपया पहुंचा देंगे। और तो और अभी जो आपको 1,000 रुपया जा रहा है ना, अभी दिसंबर में 1,000 रुपया बढ़कर के 2,500 रुपया होने जा रहा है, कानून बना दिया हमने। मैया लोग बताइए आपके खाता में पैसा जा रहा है कि नहीं जा रहा है, जा रहा है, चलिए अच्छा। उसी प्रकार कई ऐसी चीजें छोटा बड़ा चीज,
आज नौकरी पेशा सीजीएल और जेपीएससी पर आंदोलन करवाते हैं नौजवानों से। कई आरएसएस के नौजवान यहाँ पर पैसे लेकर के यहाँ के नौजवानों को दिग्भ्रमित करते हैं, उसमें भी ये कोर्ट चले गए। और आज सीजीएल पर जांच को लेकर सीबीआई को लेकर के आज कोर्ट ने उसमें भी तमाचा लगाया है कि कोई खारिज नहीं होगा, कोई जांच नहीं। और सरकार ने जो निर्णय लिया है वो मजबूत निर्णय लिया है। अभी तो डेढ़ महीना रह गया, डेढ़ महीना में तो रिजल्ट निकल जाता और हजार हजार लड़का यहाँ पर नौकरी नियुक्ति में चले जाते। और कई ऐसी चीजें आज हमको और पूरी सरकार को, इन लोगों ने इतना परेशान किया, इतना परेशान किया। लेकिन इस परेशानी में भी आपके लिए हम लोग हर एक कदम इस राज्य की जनता के दुख दर्द को खत्म करने का हमारा प्रयास रहा। आज भी गांव देहात में छोटा छोटा जरूरत के लिए गरीब गुरुवा लोग उधार लेता है, कर्जा लेता है, पैसा लेता है, महाजनों के पास जाके हाथ फैलाता है। आप लोग अमित बाबू को जिताइए, 5 साल के बाद किसी के सामने हाथ फैलाने का जरूरत झारखंड के लोगों को नहीं होगा। और इसका पहला कदम आपका छोटा छोटा जो कर्जा लेने का आवश्यकता है, बच्चा का स्कूल में फीस भरना है तो कर्जा ले लो, गलती से कोई बीमारी हो गया जल्दी पैसा नहीं है तो उधार ले लो, बिजली का बिल बकाया भरना है तो महिलाएं अपना गहना मोटरसाइकिल गिरवी रखो और पैसा लाओ, बिजली का बिल चुकता करो, समय पे बिजली बिल जमा ना करो तो थाना कोर्ट कचहरी, समय पर स्कूल का फीस ना जमा करो तो स्कूल का में बच्चा का नाम कट जाए। बड़ा हालत खराब यहाँ के गरीबों का। आज से आपने आपका जितना ये बोझ है, इन बोझ को मैंने अपने कंधों पे लिया, इस राज के हर गरीब का बिजली बिल माफ कर दिया। बिजली बिल माफ हुआ कि नहीं? सबका हो गया? बोझ कम हुआ कि नहीं? चलिए देखिए, पूछिए इनसे 20 वर्षों में कि आपने इस राज के गरीबों का कितना बोझ हल्का किया, कितने लोगों को आपने अपने पैरों पर खड़ा किया। आज ये लोग बुढ़ापे का लाठी तक छीनते हैं, गरीबों का लात पेट में लात मारते हैं। कोरोना को याद कीजिए, ऐसा महामारी जिसका आता ना पता ना ठोर ना ठिकाना, क्या इलाज होगा नहीं होगा कोई नहीं जानता था। 2-2.5 साल हमारा कोरोना उठा के लेके चला गया और अचानक यही भारतीय जनता पार्टी एनडीए की केंद्र के सरकार अचानक देश में किसी को बताए बगैर लॉकडाउन कर देता है। विदेश से आने के लिए मना नहीं, लेकिन देश में पूरा लॉकडाउन। हाट बाजार गाड़ी मोटर स्कूल कॉलेज फैक्ट्री थैक्ट्री सब बंद। उस समय यह हालत था। हमारा राज्य का भी कई लोग रोजी रोजगार घूमने के लिए अलग अलग प्रदेशों में चला गया। उस लॉकडाउन से कोई वापस नहीं आ सकता था। याद कीजिए वो दिन, ये खड़ा आपका साथ भाई, आपका बेटा, आपके परिवारजनों को हवाई जहाज से ढो ढो करके लाने का काम करता था। बात लोग बोलता है कि लोग भूल जाते हैं, यहाँ के देश की जनता का याददाश्त बहुत कमजोर है। मैं इसीलिए याद कराना चाहता हूं, हमने इस राज के लिए बहुत कुछ गंवाया है। हमारा भाई मंत्री जगन्नाथ महतो राज की जनता का सेवा करते करते कोरोना उसको साथ में लेके चला गया। हाजी हुसैन अंसारी साहब राज की जनता का सेवा करते करते कोरोना उसको लेके चला गया, तब जाकर के इस राज की जनता चैन से सो पाई है। ऐसा नहीं कि हम लोग यूं ही आपको बता रहे हैं, बता पूछ लीजिए देश में, पता कर लीजिए कि कोरोना में सबसे पहले अपने मजदूरों को किसने लाया। क्या बात करेगा ये लोग, रोटी बेटी माटी का बात करता है बेमान सब। पूछिए असम का मुख्यमंत्री से, असम में इलाका मणिपुर में क्या हो रहा है, पूछो मणिपुर में क्या हो रहा है।
रोज दंगे भड़क रहे हैं वहां की महिलाओं के साथ, वहां की आदिवासी महिलाओं को नंगा करके सड़कों पर दौड़ाया जाता है। बेटी क्या बात करता है इन लोग, पूछो इन लोगों से गुजरात में रेपिस्ट लोगों को कौन जेल से छुड़ाता है, और यहां आकर के रोटी बेटी माटी का बात करता है। और माटी का क्या बात करेगा ये व्यापारी लोग, यही लोग तो हमको विस्थापित करता है, यही लोग तो हमारा जमीन छीनता है और रोजी रोजगार रोटी से नौकरी भी नहीं देता। हमने विस्थापन नीति बनाया है, सरकार बनने दीजिए, इस राज के हर कंपनी से वसूला जाएगा कि कितने लोगों को विस्थापित किए और नौकरी दियो। रोटी का तो बात ही ना करिए, डबल इंजन की सरकार में लोग यहां भात भात करके मर गया राशन कार्ड लेकर के, लेकिन कोरोना जैसा महामारी आया इस राज में एक भी व्यक्ति को भूख से नहीं मरने दिया। तो साथियों कई सारी बातें, ये लोग धन बल के नाम पर जात धर्म के नाम पर सिर्फ वोट मांगता है। हमने काम किया है अधिकार के साथ, काम का दाम हम आपसे मांगने आए हैं। 20 तारीख को अपना बहुमूल्य वोट हमारे अमित महतो को दीजिए, यही मेरा दाम होगा आपकी सेवा के लिए। आपका हमको मालूम है कई सारी समस्याएं हमारे राज्य में हैं, अभी तो समस्या का समाधान शुरू हुआ है और ये लोग अब हमारी सरकार को गिराने में लगे हैं। ये लोग नहीं चाहते हम गरीब लोग सरकार चलाए। पहले तो बोलता था ये लोग राज लेगा झारखंड, ये लोग तो हड़िया पी के पेड़ के नीचे पड़ा रहेगा, लेकिन झारखंड लड़ के लेके दिखाया। जब राज लिया तो बोले सरकार क्या चला पाएगा, ये लोग सरकार तो हम ही लोग चलाएंगे, और आज सरकार भी उनको चला के दिखाया और लड़ के चला के दिखाया है सरकार। इसलिए साथी कई समस्या आपका, चाहे जाति प्रमाण पत्र का हो, चीख बड़ाए का, माझी बेदिया, बहुत सारे लोगों का, भुयार व्यार का है, लोहार लोहरा का है, तरह तरह का है, हमें इस बात की जानकारी है और हम इन सब चीजों में आगे बढ़े हुए हैं। इसका फाइल जल चुका है, उसका समाधान के लिए क्या करें, समय से पहले चुनाव घंटी बजाता है, हमको पूरा समय काम भी नहीं करने देता। तो इसलिए साथी आप लोग आश्वस्त रहें, आपकी रोजी रोजगार, आपकी सामाजिक समस्याएं, उन सब को हमसे ज्यादा कोई नहीं बता सकता। ये गुजराती लोग नहीं बता सकता आपको, और ये जो आपका यहाँ प्रत्याशी लोग है ना, ये यही गुजराती मुंबई लोग के साथ दोस्ती हो गया है उसका बहुत ज्यादा। साफ जमीन के ऊपर हवा में रहने वाला लोग, जमीन से इन लोग का कोई लेना देना नहीं, खाली वोट के समय नोट दो और वोट दो। हम नोट नहीं दे सकता भाई, हम काम कर सकता है, आपका खेत में जाके हल जोत सकता है, लेकिन हम नोट नहीं दे सकता। आपके लिए मजदूरी कर सकता है, आपके लिए हम मेहनत कर सकता है, लेकिन हम नोट नहीं दे सकता है। हम मजदूरी आपके लिए करेंगे, आपसे आग्रह है आप हमें वोट के माध्यम से हमें अपना मेहनताना दे और हमारे अमित भाई को जिताने का काम करें। फिर देखें सिल्ली को एक ऐसे स्थान पर लेके जाएंगे कि जहां देश का लोग, राज का लोग गर्व के साथ कहेगा कि सिल्ली विधानसभा एक आदर्श विधानसभा के रूप में उभर रहा है आज। इसीलिए ये जो फिरका परस्त लोग है ना, ये जात धर्म के नाम पर वोट मांगता है। ये चुनाव जात धर्म का नहीं है, ये हिंदू का चुनाव नहीं है, ये मुसलमान का चुनाव नहीं है, ये आदिवासी का चुनाव नहीं है, ये लोकतंत्र का चुनाव है, संविधान को मजबूत करने का चुनाव है। इसमें हर आदमी को इसमें चुनाव में हिस्सा लेना है। अजीब अजीब है, एक यूपी से आते हैं मुख्यमंत्री जी, यहां आकर के एक जहर उगल के जाते हैं, बटोगे तो कटोगे, और बुलडोजर में भाषण देते हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने बड़का हथौड़ा लगाया है कि जज बनते हो अगर दोबारा बुलडोजर चला तो तुम लोग को सबको हाजत में बंद कर देंगे।
ये हालत है। तो इसलिए साथी याद रखिएगा कि 19 तारीख को बिल्कुल आप लोग कोई अच्छा 20 तारीख को बुलाया जा रहा है। आप इतना एक तरफ 1000 चील का हुआ और इधर एक तरफ एक दुगो बेचारा तीर धनुष लेके खड़ा है। बस आप ही लोग हमारा ताकत है। आप लोग के ताकत से इतने बड़े बड़े पहलवानों को हम लोग पानी पिला के रखे। अभी पानी नहीं, अभी इस चुनाव में इन लोगों को ये सिर्फ सिल्ली विधानसभा नहीं झारखंड से खदेड़ देंगे, ये हम आपको आश्वस्त करते हैं। आपका वोट चाहिए। उन लोग भी पूरा तैयारी करके आया है, पूरा गठबंधन मजबूत करके। हम लोगों ने भी कोई कम नहीं किया। हम लोगों ने भी कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी, लाल झंडा, सभी लोग एक साथ खड़े हैं कि अब कोई चारा नहीं है, यहां पर इनके लिए कोई जगह नहीं बचने देना है, सबको खदेड़ देना है। इसलिए 20 तारीख को दो नंबर ईवीएम मशीन में तीर धनुष छाप है। आपका बेटा, आपका भाई का ये तीर धनुष छाप है। ये अमित महतो को जिताइए, हेमंत सोरेन को मजबूत कीजिए, ताकि हम दोनों भाई मिलकर के इस राज के गांव गुरुआ देहात के लोगों का हम लोग मान सम्मान के साथ उनको उनके लिए काम कर सके। तो इसलिए साथी कई सारे और कार्यक्रम है। इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बातों को समाप्त करना चाहेंगे। आप सब लोगों से एक जोरदार अपील हम चाहते हैं, 20 तारीख को सब लोग वोट कीजिएगा ना, पूरा वोट कीजिएगा ना, मैया साहब जेएमएम को जिताइएगा ना, अमित बाबू को जिताइएगा ना, सरकार बनाइएगा ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सब।